126 साल के स्वामी शिवानंद की 5 आदतें हैं जो आपको बना सकती हैं स्वस्थ और दे सकती है लंबा जीवन। शिवानंद दुनिया के सबसे अद्भुत उम्र के व्यक्ति हैं। शिवानंद को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। वो 8 अगस्त 1896 को इस धरती के ऊपर पैदा हुए। योग गुरु रहे बाबा शिवानंद अभी भी पूरी तरह से तंदुरुस्त फुर्ती वाले हैं। नंबर 1, स्वामी शिवानंद अपनी जिंदगी लंबी और तंदुरुस्त बनाने के लिए सबसे अव्वल मसालों से परहेज करते हैं। वह एकदम शुद्ध सात्विक उबली हुई चीजों को खाने में लेते हैं। उनका मुख्य खाना उबले हुए चावल, दाल, यानी कि जैसे मैं भी पसंद करता हूँ। उनके खाने के साथ ही हरी मिर्च भी जरूरी है। नंबर 2, अपनी लंबी उम्र अच्छे स्वास्थ्य का श्रेय योग को देते हैं। वह बिला नागा योग करते हैं। उनका विश्वास है कि रोजाना योग करने की वजह से उनसे बीमारियां दूर रहती। अपनी लंबी उम्र के राज में स्वामी शिवानंद बताते हैं कि उन्होंने हमेशा सेक्स से दूरी रखी है। वह संभोग से दूरी को लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए बेहद आवश्यक, जरूरी, इम्पोर्टेंट मानते हैं। नंबर 4, 126 साल के योग गुरु दूध और फल को आहार में नहीं लेते। लेकिन ऐसे कैसे? इसे आहार का जरूरी हिस्सा भी नहीं मानते। उनके अनुसार यह फैंसी फूड है। वह बताते हैं कि वह बचपन में कई बार भूखे पेट भी सोए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली पेट खाली रहेगा तो आप पतले रहोगे। नंबर 5, स्वामी शिवानंद सोने के गद्दे का इस्तेमाल नहीं करते। वो चटाई बिछाकर उस पर सो जाते हैं। एक लकड़ी का फट्टा अपने सर के पास रखते। योग गुरु अपनी लंबी उम्र का एक और कारण बताते हैं कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। कहते हैं कि आज के लोग दुखी हैं, अस्वस्थ हैं, साथ ही वह ईमानदार नहीं है। उनके अंदर ईमानदारी है ही नहीं। ये उनके लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वेल, ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए और अपनी लंबी उम्र के राज के लिए इस चैनल को जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।